झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं के बढ़ते थोक और उपभोक्ता मूल्यों को देखते हुए भारत को कुछ महीनों में इस मुख्य खाद्य पदार्थ के आयात की अनुमति देने की जरूरत पड़ सकती है। अगर भारत आयातक बना तो ये एक बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि गर्मियों तक दुनिया का पेट भरने का इच्छुक देश सर्दियों में इसकी कमी से जूझ रहा होगा। पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में जब भारत ने लगभग 7.2 मिलियन टन गेहूँ के निर्यात किया था, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक ये निर्यात 6 मिलियन टन होने का अनुमान है। साथ ही भारत ने अनाज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए इस साल मई में निर्यात प्रतिबंध की घोषणा की थी, लेकिन उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं। 6 अगस्त को पूरे देश में गेहूं के आटे की औसत खुदरा और थोक कीमतें साल दर साल के लिहाज से 14% और 19% अधिक थी। पिछले वर्ष की 5 अगस्त की तुलना में गेहूं के आटे की खुदरा कीमतें दिल्ली में 21% अधिक, मुंबई में 29% और कोलकाता में 46% अधिक थी। इसके विपरीत जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में 14.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसका कारण कुछ हद तक रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर क्षेत्र में बंदरगाहों को अनब्लॉक करने का समझौता रहा है, जिसके तहत यूक्रेनी अनाज के निर्यात की अनुमति दी गई। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी और घरेलू कीमतों में वृद्धि के कारण भारत गेहूं के आयात की अनुमति दे सकता है। गेहूं का सरकार स्टॉक खाद्य सब्सिडी योजना और रणनीतिक भंडार के लिए आवश्यक स्टॉक से थोड़े ही अधिक है। 22 जुलाई तक भारत में 27.6 मिलियन टन के स्टॉक मानदंडों के मुकाबले सार्वजनिक स्टॉक में 27.8 मिलियन टन गेहूं था। मौजूदा शेयर 14 साल में सबसे निचले स्तर पर है। सरकार का कहना है कि गेहूं के मामले में स्थिति नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।